मम्मी का मैं फोटो शूट करा रही हूँ और अपना भी करवा रही हूँ। तो ये है कुछ सेटअप। यहाँ पे मेरी मम्मी बन गई है कश्मीरन। ये देखो मम्मी को। अभी जस्ट हमें एक बैड न्यूज मिली है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अक्षी किरा व्लॉग्स। तो अभी हैं हम लोग, जैसे कि आपको पता है, मैं चेकआउट करने वाली हूँ होटल से। कटरा में हम लोग पहुँच गए थे कल रात में और अभी बस होटल से चेकआउट करने वाली हूँ। 11 बजे का टाइम था, 11 ऑलमोस्ट बज गए हैं ना, बज चुके हैं ना। तो ये रही मेरी माता जी, थक हार के टूट के बैठी हैं, पूरे घुटने वुटने सब दर्द हो रहे हैं, मम्मी के पैर लाते आए, खांसी भी हो गई क्योंकि ऊपर भवन में बहुत ठंड भी थी तो इसलिए। और अभी बस चेकआउट करते हैं, फिर बाहर जाना है, बाहर जाके बिठानी है सबसे पहले कंजकों के लिए देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं। और बैग वैग हमारे पैक हो चुके हैं, सब कुछ सामान वामान सब पैक है। तो अब चलो मम्मी फिर चलते हैं, निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। तो जी होटल से कर लिया चेकआउट। मैं ठहरी थी जय माँ इन होटल्स, कश्मीर रोड पर है ये, मेन चौक से एकदम पास में है, तो वहीं पर ठहरी थी। ये रहा होटल का नाम, आप लोग देख लो। और ये रहा पूरा होटल, अच्छा होटल था, नाइस, अच्छे थे ना, मतलब एक दो दिन रहने के लिए अच्छा होटल है, बजट में भी था ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ से रिक्शा, ऑटो करें, पैदल चले, पैदल चलेंगे, हाँ हाथ पैर बिल्कुल जाम हुए पड़े हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट कंच के बिठाने, और भी क्या क्या काम करना है, कुछ कुछ सामान भी लेना है। और एक मम्मी वो कुर्ता भी देखूँ, हाँ ब्रेकफास्ट भी करना है, ब्रेकफास्ट करना है सबसे पहले। हम ब्रेकफास्ट नहीं किए सुबह से, बस चाय पिए। और वो क्या, मेरा मन है कलरी कुलचा खाने का, देखती हूँ अगर कहीं से मिलता है तो। और ये मैं बोल रही कुर्ता एक बार देख लूंगी, एक मेरे को कुर्ता पसंद आया था यहाँ पे, अगर रीजनेबल लगा तो ले लूंगी, महंगा लगा तो छोड़ दूंगी। तो गाइस हम लोग वापस आ गए मनोरंजन ढाबा पे। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। तो अभी मैंने मम्मी ने मंगाया है प्रॉन थे, गोभी का परांठा, और ये मम्मी मेरी अचार खाती है। मेरी मम्मी अचार की इतनी दीवानी है ना, बाय गॉड, नहीं मेरे को नहीं लेना, मैं मिर्चें लूँगी, मैं मिर्चों की दीवानी हूँ। और साथ में हमने मंगाई है चाय। तो आप खाते फटाफट खाना खाते, फिर आपको पूरा मार्केट घुमाती हूँ। तो गाइस हमने नाश्ता कर लिया, अब हम जा रहे हैं मार्केट एक्सप्लोर करने। आपको मैं दिखाती हूँ मनोरंजन ढाबा कहाँ पे है। ये है मेन मार्केट, ये आप लोग देख, ओए मैं कह रही पीछे कौन है, पीछे गाय है, अरे माता रानी, मेरे को लगा पीछे कोई बंदा है, मैं उसको ऐसे ऐसे कर रही थी, गाय के पीछे। तो ये रहा मनोरंजन ढाबा, यहाँ पे अंदर जाके आपको मिल जाएगा, वेरी टेस्टी फूड, मैं तो बहुत सालों से खाती आ रही हूँ यहीं से, मम्मी ने पहली बार खाया है ना, मम्मी को मैंने पहली बार खिलाया। तो ये अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने, सामान देखते हैं। ये देखो कितने सुंदर सुंदर शॉप्स हैं यहाँ पे, और ड्राई फ्रूट्स की तो यहाँ पे भरमार है। ये देखो कितने का है, 800 1200। सो गाइस मुझे ये वाला कुर्ता पसंद आ रहा था बट बहुत महंगा है, आ जाओ वापस। तो जी अभी मैं और मम्मी आ गए हैं यहाँ पे एक फ़ोटो शूट कराने, मम्मी का मैं फ़ोटो शूट करा रही हूँ और अपना भी करवा रही हूँ। तो ये है कुछ सेटअप। तो यहाँ पे होगा फ़ोटो शूट, एक तो माता रानी के दरबार के साथ करा रही हूँ, और ये रही माता रानी। तो देखती हूँ अभी एक दो फ़ोटो शूट करा रही हूँ और एक कश्मीरी वाला भी करवाऊँगी, तो आपको अपडेट देती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो जी यहाँ पर मेरी मम्मी बन गई है कश्मीरन, ये देखो मम्मी को। बाकी की फोटोज़ मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना, और इस वीडियो के साथ भी मैं टैग कर दूंगी। और अभी मेरी भी बनने वाली है, एंड यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, मैंने स्पेशल परमिशन ली भैया की। मेरी मम्मी क्यूटी क्यूटी लग रही है।
नहीं डंडी अजीब नहीं लगती। क्यूट लग रहे हो। तो गाइस मैंने और मम्मी ने करवा लिया कश्मीर वाला और माता रानी के दरबार के साथ फोटो शूट, जो कि बहुत सही लग रहा था। एंड 20-25 मिनट बाद मिल जाएगी, 100 रुपये पर फोटो लिया इन लोगों ने, तो 20-25 मिनट बाद ये लोग दे देंगे। तो अभी तब तक हम लोग कर लेते हैं मार्केट से थोड़ी थोड़ी शॉपिंग। और जो कुर्ता मैंने देखना था वो मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि बहुत महंगा दे रहे थे ये लोग कुर्ता, है ना, एक्सट्रीम महंगा दे रहे थे। यहाँ पे ऐसे ही होता है, इतना इससे तो अच्छा दिल्ली में मिल ही जाएगा मुझे। और यहाँ पे बहुत शोर है गाइस मार्केट में ना, एक तो मार्केट एकदम छोटी सी होती है ना, ये देखो कितनी छोटी गली है मार्केट की, बहुत शोर होता है यहाँ पे, है ना। चलो आज तो रश कम है, क्योंकि सारा रश तो ऊपर भवन पे है ना, बहुत रश है भवन पे गाइस, बहुत रश। कल हम नीचे उतराई कर रहे थे, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। तो जी अभी जस्ट हमें एक बैड न्यूज़ मिली है, हमारी ट्रेन जो कि चलनी थी, कितने बजे चलनी थी, 3 बजे, वो अब चलेगी 4:30 बजे। तो 1.5 घंटा हमारी ट्रेन लेट हो गई है, इससे भी ज़्यादा लेट हो सकती है, बट अभी तक तो यही अपडेट है। अब क्या करें ये मार्केट में, हमने होटल से भी चेकआउट कर दिया, होटल में भी कितना देर बैठते हैं, वहाँ से 11 बजे चेकआउट करना था, ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 बजे तक बिठा लेता, बस मूड अपसेट हो जाता है। मैं आगे से कभी वंदे भारत नहीं कराऊंगी यार, इतनी घटिया ट्रेन है भाई गॉड। चलो फिर कहीं चाय पीने बैठ जाते हैं, वो भी मिलेगी हमारी फोटो भी अभी 20-25 मिनट बाद मिलेगी, अभी तक तो टाइम 5 ही मिनट हुआ है बस हमें चलते चलते, बहुत शोर है ना। एंड ऑल्सो गाइज मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया है, हम लोग कंजकी अपने घर पे ही बिठाएंगे, मंदिर में बिठा लेंगे, यहाँ पे नहीं बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत आफत हो जाती है कंजकी बिठाने के लिए, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम में कंजकी है ना यहाँ पे, और पीछे पड़ जाती हैं वो लोग, तो हम घर पे ही बिठा लेंगे, इट्स बेटर। चाय काफी है मम्मा। सो गाइज ये देखो, ये है पहाड़, वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है यहाँ से, वैष्णो देवी वाला जो पहाड़ है वो इसके पीछे के पीछे वाला है, तो 3 पहाड़ आपको क्रॉस करने पड़ते हैं वैष्णो देवी में, तब जाके आपको भवन के दर्शन होते हैं। तो भवन जो है वो 3 पहाड़ पीछे है, एक फिर इसके बाद फिर तीसरे पहाड़ पे भवन होता है। बादल हुए पड़े मम्मी अच्छे खासे, देखो है ना, बारिश होगी आज लग रहा है। हम लकी रहे कि कल बारिश नहीं हुई, परसों भी हुई थी और आज भी बारिश होगी जैसे लग रहा है। हाँ कल है बट बारिश तो नहीं हुई ना, बच गए। चलो चाय पीते फिर। तो गाइज बहुत शोर है यार मम्मा। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं मम्मी की पसंद से बनवाने के लिए, यहाँ पे नेम प्लेट लकड़ी के ऊपर नाम लिखवा रहे हैं अपने क्या उसका परिवार का क्या अपना सरनेम लिखवा रहे हैं, सर का नेम लिखवा रहे हैं। मेरी मम्मी को बड़ा पसंद आया ये, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही नाम लिखवाएंगे हम भी। तो गाइज फोटोज हमने ले ली हैं अपनी, और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान खरीद लेते हैं, प्रसाद वगैरह। किस इस दुकान से खरीद लें, आगे वाली से ले लेते हैं, इसकी लाइट अच्छी नहीं है, लाइट में वीडियो नहीं अच्छी बनेगी ना। तो अभी मैं हम लोग स्टेशन पे बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट है ट्रेन, तो स्टेशन पे बैठते हैं तब आपको फोटोज दिखाती हूँ, और मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो अभी हम लोग ले रहे हैं इस दुकान से प्रसाद, बांटने के लिए प्रसाद ले रहे हैं, 50 वाला, 10 वाला, और मेरी मम्मी को आम पापड़ भी लेने हैं, हैं ले लो जो लेना है। तो गाइस देखो आपको यहाँ से ये सब भी मिल जाता है। अरे गाइस मैंने आपको दिखाया नहीं, हमने जो सामान लिया वहाँ पैक हो गया,
अरे यार पैक कर दिया इन लोगों ने, मैं कुछ और सामान खरीदने लग गई थी तो इन्होंने पैक कर दिया। हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है, थोड़ा थोड़ा सामान, मतलब एक तो बांटने के लिए, एक मैंने लिए चिलगोजे, अगर आपको पता नहीं है तो मैं घर जाके खाऊंगी चिलगोजे, बहुत टेस्टी होते हैं, मेरे फेवरेट ड्राई फ्रूट है, बट काफ़ी महंगे होते हैं, मेरी औकात से बाहर होते हैं तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, और वैसे भी बहुत ज़्यादा खाने भी नहीं चाहिए। इनकी शॉप बहुत अच्छी है, कपड़े वपड़े सब कुछ है, टॉयज़ देने लेने का सामान, प्रसाद, फोटोज, वेरी नाइस शॉप। हो गया तो जी, ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिया, इन्होंने पैक कर दिया था, देखो सारा का सारा, और अब बस उठाना है वो हमारा नेम प्लेट जो मम्मी ने बनवाई थी, सो कॉल्ड हमारी नेम प्लेट, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ऑटो। मम्मा देखो गाड़ी, अरे नहीं मार, अरे मम्मा चाय भी तो पीनी थी, पीनी है नहीं पीनी, चलो फिर अब हमें करना पड़ेगा वहाँ पे ही, वहाँ पे स्टेशन पे वेट 1.5 घंटा। कहाँ गए भैया? भैया दे दो, सूख गया, किरार्स लिखा होगा, पेमेंट हो गई है। हाँ मेरे उसके ऐसे गीला है, ये रहा गीला ऐसे पकड़े।